दोनों भाई हमारे साथ वीडियो सुनो दोनों ये बात भाई। वे नहीं बनन लग रहे भाई, वे का मतलब के है कि हम चाहवा हाँ कि इस गुड़िया पे जितने भी पैसे आवे आज या इतनी मैच्योर नहीं है उन पैसे ना संभाल ले और कोई थर्ड पर्सन या कोई भी किसी भी गतिविधि में इसके पैसे ने गलत मिस यूज ना हो, इसलिए हम एक अलग रास्ता निकालने सोच रहे हैं। हमारे डाकखाना में आए थे तो हम सोच रहे थे कि इसका एक खाता करवा दिया जाओ, खाता करवाने के बाद में भाई इसका फिक्स डिपॉजिट हो जाए 5 साल का और इसमें खाता में पीछे आए जावे न कि निकाल सके कोई, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में हमारा दिमाग में एक आवे है बात भाई इसका सेविंग अकाउंट करवावांगे, सेविंग अकाउंट की जो कॉपी है वह हम हमारा द्वारा रखांगे, जो OTP नंबर है वो भी हमारा देवांगे, मैम खाता इसी का होगा ताकि उस अमाउंट में एक राशि आने के बाद में उसका फिक्स डिपॉजिट करवाया जा सके, खाता छोरी का नाम पर रहेगा, खाता में सारे के सारे जो भी पीसे आवेंगे उनकी फिर बाद में निकलवाएगा ना, इसकी FD करवावांगे। FD करवाने के बाद में फिर 5 साल के बाद में या छोरी कुकरे निकलवाइयो कि मैं करियो तो अलग है। दिनेश भाई भाई सारे भाइयों ने राम राम भाई जिम्मेदार मीडिया बताया दिनेश की ये भी बात आ जा है जो सोनू भाई ने बताई बात 16 ने सही रहेगी, कहानी एक और हुआ है इसमें हम आप तक पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे जी। सोशल मीडिया के आगे ही अकाउंट खुलवाया जाएगा, इस गुड़िया का अकाउंट खुलवाया जाएगा, सोनू भाई का OTP नंबर वगैरह सारी चीज इनकी दी जाएंगी। ये भी इसमें आ जाती है श्योरिटी वाली बात, केवल अगर अकाउंट में तो मान लिया 2 महीने तक हम उसको सेविंग में ऐसे रखेंगे आपकी पेमेंट आती रहे उसमें तो कोई भी अगर विड्रॉल जावा है तो उसमें जिम्मेदारी फिर सोनू भाई की बनेगी, गलत नहीं करे सोनू भाई। उसमें तो कुछ भी अगर पैसा निकाला जाओ कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और उसमें बिल्कुल कॉपी में दिखाया जाओगा भाई इसमें इतने पैसे आए हैं, उसके बाद में आप तो बताया जाओगा भाई छोरी का खाता में इतने रुपया लिए, ईब इसकी FD करवावांगे मैम और उसके बाद में हमारा OTP नंबर मैम कटवा देंगे, कॉपी कूपी सारी इस तरह संभलवा देंगे और इसका फिक्स डिपॉजिट 5 साल का करवाया कहना और फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी भाई और उसके बाद में जिम्मेवारी रहेगी समाज की रहेगी फिर मारी और भी जिम्मेदारी। सोनू भाई हमने इसके बाद क्या करना है कि छोरी का श्योरिटी करने के बाद में अकाउंट आज हम आप लोगों को इश्यू करवा देंगे, उसके बाद में जिम्मेदारी आपकी रह जाएगी इन बड़का के लखाना और पूरी पूरी हेल्प करनी सारी डालते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी रह जाएगी कि अगर छोटा बाड़क है उस दौरान अपना मकान भी नहीं है खुद का, फिर उसके लिए हम सारे भाई मिलकर उड़े जाओ भी गए तब पूछे भी गए भाई किस तरह भी मकान उनका हो सका है और क्यों क्यों का नहीं बन सका है, गलत नहीं सोनू भाई। भाई जे जिसकी मकान यू ले रखे है नजदीक के है यू मकान यू नजदीक के दिखने लग रहा है भाई, अगर वो कवा है कि भाई मन तो पीछे चाहिए हैं उसका खातर पीछे का प्रबंध भी करांगे, हाथ पैर जोड़ कर जो उन्हें कवागा भाई कोई बात नहीं है भाई गाम राम कवा है तो मैं पीछे को नहीं लेता इनका मकान यू छोड़ दूंगा तो अपना लिखित लिखाई भाई यहाँ करवा देगा इनका बालका का और मकान तीन तक सौंप दे, क्योंकि आज ये बालक है किसी इसका चाचा ताऊ दो रह रहे हैं तो रह रहे हैं लेकिन आगे चल कर तो इनकी खुद का मकान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी तो इन चीजें की जरूर ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। और अलबत्ता एक बात बताऊं संवेदना इंसान को हो नहीं सकता, उस मानस के भीतर भी वह संवेदना होनी चाहिए, अगर जो वो कम तक कम यह सोचा आज इनके इन बड़का ने उसके साथ की भी और समाज के साथ की भी जरूरत है तो भाई गणी वाला हम कहते नहीं बात नहीं हम चल सीधे पोखथड़े ग्रामीण बैंक में उड़े खुड़िया का अकाउंट खुलवागा आप सब लोगों को इश्यू कर देंगे, बोलो भाई सुनो। बिल्कुल भाई जो अकाउंट नंबर इसका इश्यू करवाया जाओगा उसकी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करके आइयो, लोग एडिटिंग करके ना इसका जो अकाउंट नंबर है उसका मिसयूज कर सके उसके ऊपर अपना लगा सके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाओगा उसका गला मैच जरूर करियो तो वह चीजें आपने जरूर देखनी है दोनों चला वीडियो में भी चला हाँ और डिस्क्रिप्शन में भी तो वह जरूर आपने मैच कर लेनी है, ऐसा नहीं हो कोई वीडियो ना उठाकर कहीं पे भी शेयर कर दे और उसके बाद में इसकी हेल्प ना हो पाओ कोई फ्रॉड आदमी इनके पैसे ना ले उड़े तो वो चीजें आपने जरूर वो करनी है। और हमारे फौजी साथी भी आए हुए हैं मदद के लिए, जितनी मदद करी है इसकी एक अलग वीडियो जो अकाउंट नंबर के साथ में तो वह आप बनावांगे फौजी भाई यहाँ गल्ला और आपने वो सारी डिटेल दे देंगे जो इसके लिए मदद के लिए होनी चाहिए भाई और भी के मदद इसके लिए होनी चाहिए या फिर करी गई है वो सारी चीजें बताई जावेंगी। और दूसरी खास बात भाई सारे समाज से एक मीडिया का संदेश हमारा दोनों भाई हम जो साझा वीडियो तैयार कर रहे हैं उसका एक संदेश दावा है, अब तक ना 80% हमारे फौजी भाई गा रहे हैं, इसमें देखो एक बात कहनी पड़ेगी सारे समाज ने सुननी पड़ेगी माननी पड़ेगी, सारी देश ठेका अगले फौजी नहीं ले रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी है समाज में जुड़े हो ना समाज मरवाए हैं आप लोगों के साथ से ही अर्जित संभव होगी, इन बड़का घर का डे पाचे फिर लड़ाई लड़ी जाएगी उस दरिंदे ने फांसी तक पहुँचाएगी भी और उसमें भी आप लोगों के सहयोग की और साथ
की जरूरत है, हमने बनी रहोगी तो देते भी रहियो। तो लो जी करो बात खत्म करता हूं भाई। लास्ट में मैं गांव तक अनुरोध करूं हूं, अगर गांव ने इसका मकान उल्टा करवाना है तो उसका कुड़ी पता कर लें, इनका पीछे भी लाने पड़ सके हैं। 100 लाखो 500 लाखो जो अगला फ्री में मानना है तो गांव ने कुछ देना भी कोनी भाई, जुन सा सहयोग करना है इस गुड़िया का सीधा आप कर सको हो। जे इसी बात आवे तो पंचायत करांगे भाई, पंचायत में जो भी फैसला होगा भाई, गांव कितना कितना भाई, जो भी गांव है फैसला लेगा, पंचायत फैसला लेगी, उसके बाद में ही यह चीज निर्धारित करी जाएगी कि गांव इन खातर के करेगा। तो फिलहाल इस गुड़िया का भाई खाता करवाएगा ना, उसके बाद में आपके सामने इशू करांगे और आगे की जो इतनी भी जानकारी है बिल्कुल ए टू जेड आपने बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल आपने न्यू को नहीं कि भाई कोई भी चीज आपसे छिपाई जाएगी, हर चीज आपसे दिखाई जाएगी और आप पूरा सहयोग खातर भाई आगे आओ। माम आए हैं, फौजी भाई आए हैं, गाम राम भी निकल का आवागा सामने और जरूर मदद करेगा भाई। तारे सारे का सहयोग तय ही इन बच्चियां भविष्य सुरक्षित हो उसके हैं। तो भाई मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। तो भाई देखते रहो हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ। जय हिंद, बने रहो जमींदार मीडिया पर।